विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्मयोगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। जिसका जो कर्म है वो करना है, निर्धारित कर्म है, नियत कर्म है वो करना है। उससे परिणाम में मुझे क्या पगार मिलता है, मेरी तनख्वाह क्या है, उस पर नहीं निर्भर करेगा। मेरा कर्म और मेरा प्रकृति गुण, इसका एक साथ रिश्ता बनना चाहिए और वैसे जिंदगी जीना है। आजकल कॉरपोरेट कंपनी में वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे कहते हैं। ये क्या है वर्क लाइफ बैलेंस? जो कर्म है उसमें भगवान को देखना है। वर्क इज वर्शिप। क्यों वर्शिप? क्योंकि उस पर आप अगर भगवान की तरफ निष्ठा रखोगे, श्रद्धा रखोगे, आपके कर्तव्य में आस्ते आस्ते कर्तृत्व तो दिखाई देगा और वही यश है। और इसलिए भले द्वापर युग में भगवद गीता कही होगी, लेकिन आज के कलयुग में ज्यादातर ये जो अध्याय जो कर्म अकर्म विकर्म के बारे में बात करता है, वैसे ही हम जहां हैं वहां कर्म की संहिता बदलती है। मैं कहां हूं उस पर निर्भर करता है। मैं मेरे घर में हूं तो कर्म की संहिता बदलती है, धर्म की संहिता बदलती है। मैं पड़ोसी के घर में गया तो संकल्पना बदल गई मेरे आचरण की। मैं समुदाय में आ गया रास्ते पे तो संहिता बदल गई। मैं मेरे घर में जिस तरह से आचरण करता हूँ उससे भी अधिक अनुशासित आचरण मुझे करना है जब मैं रास्ते पे आता हूँ। क्या ये मेरा कर्म नहीं है? अगर मैं स्कूटर चला रहा हूँ तो मेरे स्कूटर चलाने से और किसी वाहनधारक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मेरा कर्म नहीं है? अगर मैं स्कूटर पार्क कर रहा हूँ कहीं पर, तो पार्क करने के बाद मैं तो निकल जाऊँगा लेकिन फिर वहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा, ऐसे पहले सोचना, ये मेरा कर्म नहीं है? क्या हम इस तरह से हमारे समाज जीवन में कर्म के बारे में सोचते हैं? क्या कर्म का कर्तव्य इस शब्द के साथ आचरण में लाते हैं? क्या वैसे नहीं होता है? और इसलिए आज जहाँ तक देश का सवाल है, आप देखिए कई शहरों में हर एक का व्यक्ति स्वतंत्र है, वो घर में कैसे बिहेव करता है, आचरण करता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर आ गए स्थान बदल गया, स्थान बदल गया तो कर्म की संहिता भी बदलती है और उसे कर्म कहा गया है। वो नियत कर्म होगा। जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर मैं स्कूटर नहीं रुकाऊंगा, ये नियत कर्म है। हमें क्यों कैमरे लगाने पड़ते हैं? इसका मतलब है मैं अभी अभी भगवद गीता का प्रवचन सुनकर आया हूँ लेकिन मेरे आचरण में वो प्रवचन है ही नहीं। ऐसे नहीं होगा। ऐसे करने से अकर्म विकर्म होते जाएगा, विपरीत कर्म हो जाएगा। आपके आचरण में कुछ फर्क नहीं पड़ा इतना सुनने के बावजूद भी। और इसलिए ये जीवन ग्रंथ जो है उनका आज के जीवन में किस तरह से हम आचरण संहिता बना सकते हैं उनमें से, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से, फिर ऐसे क्यों कहा, ये सब महाभारत की कथाओं में मशगूल होकर हम वर्तमान में अगर हमारा कर्म जो है उसका विस्मरण करते जाएंगे तो फिर इन ग्रंथों का कुछ फायदा नहीं है, फिर हम उसे जीवन ग्रंथ नहीं कह सकते। हमें आज वो समझना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से अगर भारत इतना समृद्ध देश है, इन ग्रंथों के विचार से अगर हम आज के जीवन में आचरण करना शुरू करेंगे तो एक महीने के अंदर विश्वगुरु बन जाएंगे। इसलिए दर्शकों, मेरे निजी जीवन में भगवद गीता का स्थान क्या है, किसी भी धर्म ग्रंथ का स्थान क्या है, तो वो स्थान केवल प्रवचन सुनने के लिए नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो प्रवचन करने वाले हैं वो बड़े हो जाते हैं, उनके संप्रदाय बड़े हो जाते हैं, लेकिन सुनने वालों के निजी जीवन में बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण लड़ाई के ऐन मौके पर अर्जुन को उस समय के वर्तमान में अर्जुन ने क्या करना चाहिए वो बोल रहे हैं। तो जो प्रवचनकार है उनका एक नियत कर्म है। जो ये भागवत कहने वाले हैं, महाभारत की कथा कहने वाले हैं, रामायण की कथा कहने वाले, उनका नियत कर्म यह है
कि सुनने वालों को आज के जीवन में क्या होना चाहिए इसके बारे में सिखाना चाहिए इन ग्रंथों का आधार लेके, तभी ये धर्म ग्रंथ जीवन ग्रंथ बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और ये विपरीत हो रहा है, इसलिए मैं आपके साथ ऐसी बात कर रहा हूं कि आज भगवद गीता सुनने के बाद चौथे अध्याय में जो लिखा हुआ है वो क्या है, कर्म अकर्म और विकर्म की व्याख्या क्या है, ये मुझे समझनी चाहिए। और उसका इस्तेमाल मैं मेरे निजी जीवन में क्या कर रहा हूँ वहाँ देखना होगा ना, तभी शुद्धिकरण होगा, तभी स्वाध्याय होगा, नहीं तो स्वाध्याय नहीं होगा। और ये स्वाध्याय होना है इसलिए तितिक्षा करनी होगी, ऐसे राह देख के नहीं चलेगा कि कोई आकर हमारा देश बदलेगा या कोई आके हमारा आचरण बदलेगा या हम रास्ते पे पुलिस की संख्या बढ़ाएंगे इसलिए हम शिस्तबद्ध हो जाएंगे, ऐसे नहीं होना। पहले हमें आत्मबद्ध होना है फिर शिस्तबद्ध होना है। अब सवाल ये उठता है कि कर्म क्या होगा, उसका भी जवाब इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। जिस शब्द के बारे में आज भारत में जो बुद्धिवादी वर्ग हैं, विचार करने वाले लोग हैं, वहाँ पे बड़े विसंवाद चलते हैं, और वो शब्द है चातुर्वर्ण्य। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के इस चौथे अध्याय में स्पष्ट कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। अब कर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते कि ये कर्म क्या होगा, ये कर्म कौन निर्धारित करेगा, नियत कर्म क्या है, ये कौन निर्णय लेगा, उसका जवाब यहाँ पे दिया है। और वो है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। चातुर्वर्ण, यहाँ पे वर्ण शब्द का अर्थ विभाग इस तरह से लेना चाहिए। जो वर्ण की बात आती है तो संस्कृत में जब चातुर्वर्ण्यम कहा है तो ये चार विभाग है, जैसे कॉरपोरेट कंपनी में चार विभाग होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, और बाकी कर्मचारी होते हैं। ये जैसे कंपनी में है वैसे समाज कोऑपरेटिव कंपनी में भी ऐसे होता है। समाज नाम की ये जो पूरी कंपनी है उसके भी इस तरह से चार हिस्से होंगे, और वो किस बात पे होंगे तो गुण कर्म विभागशा, ये जो गुण है उस पर कर्म निर्भर करेगा। और गुण क्या है तो वो प्रकृति गुण है, वो मनुष्य के जन्म के साथ आते हैं, और जैसे गुण है वैसा कर्म होना चाहिए। हमने अंग्रेजी में पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, रॉबिन्सन नाम के ज्ञानी आदमी ने कहा था डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन डिवीजन ऑफ लेबर करते वक्त ये जो डिवीजन है वो किस पर निर्भर करती है, वो गुणों पे निर्भर करती है। इसलिए उसके भी पहले जाके गुण कर्म विभागशा, जैसे अकाउंट्स में फंड फ्लो एनालिसिस रहता है वैसे एनालिसिस करना होगा हमें कि ये कर्म विभागशा जो इकोनॉमिक्स कह रहा है वो कैसे तय होगा, वो तय होगा जो गुण है उस पर तय होगा। इसलिए हर एक के गुणों के अनुसार कर्म है, हर एक की जो चाहत है वो अलग है। और इसलिए संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा कि जो थे वांछिल तोते लाओ, ये वांछिल शब्द जो इस्तेमाल किया है वो इच्छा के साथ नहीं जाता। वांछा का मतलब है निसर्ग दत्त प्रकृति गुणों में जो इच्छा तैयार हुई है उसे वांछा कहा गया है। इसलिए ये बुद्धि से निर्माण हुई इच्छा नहीं है, ये प्रकृति में ही है, इस तरह से होना चाहिए और वो हर एक जन करे। तो मैं आशा करती हूँ इस भाग से मिली हुई सीख आप अपने जीवन में अवश्य अमल करेंगे। ऐसे ही देखते रहिए विश्व शांति संवाद माला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।